हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। सभी अभ्यर्थी मेरी बात ध्यान से सुने। ये आयोग क्या कर रहा है आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप सभी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ये आयोग अपनी मनमानी कर रहा है और आप सब चुपचाप घर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जानबूझकर ऐसा काम किया जाता है जिससे भर्तियाँ फंसे और सालों साल यही सब चलता रहता है। NM भर्ती को लेकर कल कोर्ट का फैसला आ गया है, तो देखिए। भारत समाचार, लखनऊ। यूपी में NM के 9000 पदों की भर्ती पर रोक लगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने NM के 9212 पदों पर रोक लगाई। EWS सर्टिफिकेट में अपूर्ण जानकारी पर याचिकाकर्ता ने की थी रिट। जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने यूपी SSSC की भर्ती पर रोक लगाई। लेकिन आप सभी अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भर्ती में थोड़ा बहुत देरी हो सकती है, ज़्यादा देरी नहीं होगी, 30-40 दिन के लिए डिले हो सकती है। कोर्ट ने यूपी सरकार को EWS प्रमाण पत्र को लेकर ये भी आदेश दिया है कि EWS प्रमाण पत्र को लेकर ऐसी गाइडलाइन जारी करें कि फ्यूचर में अब कभी किसी भी अभ्यर्थी को दोबारा कोई समस्या ना हो। जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो परेशान ना हो, इसलिए जल्द से जल्द इस समस्या को सॉल्व किया जाए और सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं। 373 लड़कियों का EWS है, इन सभी लड़कियों का फिर से वेरिफिकेशन होगा। अगर कोई भी लड़की अपात्र पाई जाती है तो उसका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। दिक्कत सिर्फ EWS वाली लड़कियों को है, अदर सिलेक्टेड लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। EWS को लेकर आयोग ने जो प्रारूप जारी किया था, अभ्यर्थियों ने उसके अनुसार प्रमाण पत्र नहीं दिए या फिर प्रमाण पत्र में कोई गलती हो गई है। जिस अभ्यर्थी के EWS प्रमाण पत्र में ऐसा कुछ हुआ है तो वो सभी 10-15 दिन के अंदर अपने प्रमाण पत्रों की गलतियाँ सही करवा लें। कोई भी अभ्यर्थी देरी ना करे, नहीं तो ज्वाइनिंग भी डिले होती जाएगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि इन सब अभ्यर्थियों को शामिल करने के बाद ही सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। और भी कोई अपडेट मिलेगी तो जल्द आपको सूचित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसे देखिए, कोर्ट नंबर 17। इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केस रिट नंबर दिया गया है, पूरा डिटेल दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। देखिए, केस ये है, ये रिट नंबर दिया गया है। एक केस ये है, ये रिट नंबर दिया गया है। केस ये है, रिट नंबर दिया गया है, पूरा डिटेल इसमें दिया गया है, तो इसको पूरा देख लीजिएगा। देखिए, और भी कोई अपडेट मुझे मिलेगी तो जल्द आपको सूचित किया जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।